हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज देखिए हम आपको एक खूबसूरत सा प्लान दिखाना चाहेंगे। बने रहिएगा वीडियो में पूरा अंत तक और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्लान इस तरह से आपको एक बेहतरीन सा प्लान और इतना खूबसूरत प्लान जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से हमारे एक व्यूअर और क्लाइंट ने जो हमें सेंड किए थे हमारे एक व्हाट्सएप नंबर पर, तो देखिए इस प्लान को पूरा अंत तक, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। 30x45 में बना हुआ प्लान है और आने वाले समय में आपको और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन जुड़े नॉलेज, बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि देखिए ये प्लान में क्या है, इधर एक बेडरूम है, यहाँ पे एक बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इस तरह से शुरू से बता दूंगा मैं आपको। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उस इंजीनियर को भी थैंकफुल एंड इस व्यूअर क्लाइंट या फिर वो हमें जो कंसल्ट के लिए सेंड कर रहे थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे कि नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा का प्लान है, यहाँ से एंटर रहेगा, एंटर ये मेन गेट लिया गया है, यहाँ पर मेन गेट और मेन गेट, यहाँ पर एक कॉलम, इधर एक कॉलम, दो कॉलम, ये डमी कॉलम बोलते हैं, यानी कि ये पूरा स्लैब तक नहीं रहेगा। फिर देखिए यहाँ से एंटर हुए, इधर देखिए ड्राइंग हॉल रूम आ जाएगा, 19x12 फीट का ड्राइंग रूम। मगर दिक्कत यही है कि यहाँ उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बिकॉज़ इधर जगह काफ़ी कम दिया गया है, उन्होंने 4 फीट 3 इंच के अंदर ही इनको स्टेप्स भी बनाना है, तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा। सीढ़ियाँ जो है यहाँ पर ही लिया गया। और देखिए यहाँ से डाइनिंग एरिया 19x12 फीट का काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर बड़ा विंडो भी लिया जा सकता है। फिर देखिए एंटर हो गए, ये डाइनिंग एरिया और लॉन्गी 13x13.6x14.6 का बना हुआ है। और यहाँ टॉयलेट रूम, इधर जो है OTS दिया गया, ओपन टू स्काई, यानी कि वहाँ से आप चाहे तो ले सकते हैं वेंटिलेशन। इतना ही जगह, इतना बड़ा जगह लेके इतना चुप, ये इतना कंजेस्टेड वे में क्यों बनाते। टॉयलेट रूम, कॉमन टॉयलेट रूम लिया गया, जनरल डाइनिंग एरिया से हॉल के, और यहाँ पर एक बेडरूम है 11x3x13 फीट। और कॉलम पोजीशन, कॉलम साइज़ भी हम बता देंगे। देखिए 9x15 इंच का कॉलम लिया गया, यहाँ पर एक कॉलम दो है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कॉलम लिया गया इस प्लान में। आपको 15 कॉलम इस तरह से दिया गया। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए आपको लगभग 22 लाख तो आराम से पड़ जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से प्लान का डिज़ाइन बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएगा एंड आने वाले समय में आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जुड़ी जानकारियां मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।